हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टी टी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सिएटल मरीनर्स वर्सेस बोस्टन रेड सॉक्स MLB लीग के बेसबॉल मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी टीम में किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ में बात करेंगे DT यानी कि ड्रीम टीम के बारे में। और दोस्तों, जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक एंड डिस्क्रिप्शन। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको टीमें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसमें इसको ओपन करूँगा। दोस्तों, अब बात करूँगा कि इस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा SEM यानी कि मरीनर्स के बारे में। तो मरीनर्स 145 मैच प्ले किए, वहाँ पर दोस्तों 78 में विन और 67 में लॉस का सामना किया। तो पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छी खासी टीम है और इस टीम से मैं काफ़ी अच्छे खासी प्लेयर उठाकर चल सकता हूँ। और मैं बात करूँ BRS यानी कि रेड सॉक्स के बारे में, तो रेड सॉक्स ने 147 यानी कि 147 मैच प्ले किए हैं, जहाँ पर 82 में विन और 65 में लॉस का सामना किया। तो पता चल रहा है दोस्तों, दोनों ही टीम काफ़ी अच्छी खासी है। तो अब बात कर ली जाए कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन आप इस मैच में 4-5 या फिर 5-4, ये दोनों को ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी अच्छे खासे हो सकते हैं अगर आप इस मैच में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीम काफ़ी अच्छी खासी है। आप इस मैच में 4-5 या फिर 5-4, ये दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और मैंने इस मैच में फिलहाल इस टीम में 4 और 5 का कॉम्बिनेशन ट्राई किया है। बाकी दोस्तों स्टैट के ऊपर होता है, स्टैट निकालूंगा, एनालिसिस करूंगा, और एनालिसिस करने के बाद आपको फाइनल टीम दूंगा टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए ड्रीम टीम देने से पहले प्लीज से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपकी अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी टीम देना टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टीम में किस फील्डर, किस इनफील्डर, किस पिचर, किस कैचर, इन सभी के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर देनी है। जो वीडियो एंड तक वॉच करेगा उसको काफ़ी अच्छी खासी विनिंग मिलने वाली है। उससे पहले मैं आपको एक बात करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप ड्रीम इलेवन पर प्ले करें तो आप एक बार विजन 11 पर प्ले करके देखिएगा। आपके पास है तो काफ़ी अच्छी खासी बात है, आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर भी विजन 11 को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं स्टार्ट करूँगा ओफील्डर सेक्शन से। दोस्तों, हानिकर दोस्तों बेस्ट चॉइस इस मैच के लिए, जिनका परफॉर्मेंस है पिछले मैचों से काफ़ी अच्छा खासा होता आ रहा है। तो अपने समोली की टीम में आप अपने कैप्टन और वॉइस कैप्टन किसको भी बना कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, और कैप्टन वॉइस कैप्टन अदर चॉइस होगी वो क्रॉफोर्ड होने वाले हैं। बाकी दोस्तों, स्मॉली की टीम में कैप्टन वॉइस कैप्टन दोनों बना के चल सकते हैं, क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस काफी सेम है। और हानिकर को आज की टीम में मैंने टीम में वॉइस कैप्टन ट्राई करना चाहूंगा। बाकी दोस्तों, स्टैट के ऊपर निर्भर हुआ तो मैंने टीम में कैप्टन में ट्राई कर सकता हूं। दोस्तों, मैं बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर वेडोगो के बारे में, तो वेडोगो का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा खासा था लगातार मैचों से दोस्तों परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। काफ़ी मैचों से आप काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 मैचों से जो इनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा और नेक्स्ट लेवल का चल रहा है। तो वेल्डोगो को आपको अपनी टीम में काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन पर लेकर चलना है, क्योंकि उनका सिलेक्टेड परसेंटेज होगा वो भी काफ़ी कम होगा और ऐसे दोस्तों हमें फ़ायदा उठाना है। दोस्तों, मैं आपको ऐसी नॉलेज दे दूंगा, अगर आप मुझे फॉलो ना भी करेंगे तो आप भी काफ़ी अच्छी खासी टीम बना पाएंगे। तो वेल्डोगो को दोस्तों अपनी टीम में लेकर चलना है, ये दोस्तों आपके लिए गोल्ड होने वाले हैं, क्योंकि उनका जो आपका अपोनेंट होगा उसके पास वेल्डोगो आपको नहीं दिखने वाला है और जो आपके जीतने के चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप वेल्डोगो को अपनी टीम के लिए ट्राई करते हैं। तो इनफील्डर सेक्शन से बात करें दोस्तों, डेवर्स दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छे चॉइस है, पिछले काफ़ी मैचों से काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस में, और ऐसे परफॉर्मेंस को देखते मैं चाहूँगा दोस्तों आप अपनी ग्रैंडली की टीम में कैप्टन वॉइस कैप्टन की जगह दे सकते हैं बिना किसी टेंशन के। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट प्लेयर बोगार्ट्स के बारे में, तो बोगार्ट्स पे काफ़ी अच्छे चॉइस है, पिछले दोनों मैच प्ले कर रहे हैं, दोनों ही मैचों में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है और जिनका आज के मैच में सिलेक्टेड परसेंट होगा आपको 70 के आसपास देखने को मिल जाएगा जब लाइन अप आउट होगा। तो बोगार्ट्स को अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं एज अ प्लेयर, आप इन्हें कैप्टन वॉइस कैप्टन बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो दोस्तों, हम बात करें क्रॉफोर्ड के बारे में, तो क्रॉफोर्ड दोस्तों इस मैच में काफी ज्यादा परफॉर्मेंस करेंगे और पिछले लगातार 5 से 6 मैचों में काफी अच्छे परफॉर्मेंस में है, पिछले लगातार 4 मैचों से तो काफी नेक्स्ट लेवल के परफॉर्मेंस में है, जहां पर 20, 29, 11 और 12 काफी अच्छे खासे पॉइंट कलेक्ट करें और जेपी क्रॉफोर्ड को अपनी टीम में कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के आज के मैच में। तो मंदिर से मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी टीम में कैप्टन ट्राई करिएगा। दोस्तों, बात करें हम नेपल टोरो के बारे में, तो टोरो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी चॉइस है, कम सिलेक्टेड परसेंटेज प्लेयर है और दोस्तों इनका परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा लगातार मैचों से। तो आज के मैच में दोस्तों मैं आपको ऐसी विनिंग टीम दूंगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी ऐसे प्लेयर को देख चुका हूँ जैसे वेल्डोगो, दोस्तों टोरो, जिनका सिलेक्टेड परसेंटेज काफ़ी कम है और दोस्तों मुझे आपको एक बात बताता हूँ,
जो प्लेयर होगा वो दोस्तों सीकर को उठाएगा, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर बंदा मेजोरिटी लेवल के ऊपर जाएगा 363% है, 363 पॉइंट इनके हैं, और सीकर का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो काफ़ी डाउन चल रहा है। और ऐसे परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं दोस्तों मैं समझ आज कि मैं अपनी टीम से ड्रॉप भी लेके चल सकते हैं। बाकी दोस्तों बड़ा प्लेयर है, हो सके तो अपनी टीम में एज प्लेयर की जगह दे सकते हैं, बाकी मैं अपनी टीम में ड्रॉप लेके चलने वाला हूँ। और टोरो आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाली इस मैच के लिए, वो भी दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम अपने किसी टाइम कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं टोरो को। दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट प्लेयर जोश के बारे में, तो जोश का परफॉर्मेंस पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खासा था, और आप ये भी सोच रहे हैं कि दोस्तों तुक्का लग गया काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखते हुए, तो दोस्तों एक दो प्लेयर में ऐसे भी उठाने होंगे जिनका सिलेक्शन विन काफ़ी कम हो, और थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना पड़ेगा अगर विन करना है तो इसीलिए मैं जोश को अपनी टीम में काफ़ी अच्छे खासी पोजिशन पर लेकर चलने वाला हूँ, और एज अ प्लेयर की टीम जो है तो इनको कन्फर्म देने वाला ही हूँ। पिछले के बारे में दोस्तों रोड्रिगोस बेस्ट चॉइस है दोस्तों, पिछले मैच में 20 पॉइंट कलेक्ट किए, और ऐसे भी जब देखते हैं आप अपने ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बिना ट्राई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ऐसे परफॉर्मेंस को देखते मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि मेरा ये टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन हो, 20 पॉइंट आपको कोई पिचर कलेक्ट करके दे रहा है तो बहुत बड़ी बात हो दोस्तों। पिचर दोस्तों आपके पास इतनी टुच्ची चॉइस आ जाती है कि मुझे अपनी टीम से ड्रॉप लेके चलना पड़ता है, लेकिन दोस्तों एक पिचर उठाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे उठाना पड़ता है। बाकी दोस्तों पिचर अपनी टीम से मैं ड्रॉप करता हूँ, बाकी ये चॉइस आपके लिए सबसे बेस्ट है अगर आज का मैच रोड्रिगोस प्ले करते हैं तो। कैचर के बारे में बात करूँ तो मैंने मुर्फी उठ रहा है 4 पॉइंट 7 पॉइंट 21 पॉइंट, तो काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस लगातार मैचों से, और ऐसे मैच परफॉर्मेंस को देखते मैं चाहूँगा दोस्तों आप इनमें ट्राई कर सकते हैं। भाई दोस्तों टोरेंस को प्ले का मौका दीजिएगा तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही कैचर आपके लिए काफ़ी अच्छे खासे चॉइस है, और इस चॉइस को दोस्तों हम टीम का प्रयोग करेंगे जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने उस टीम में 2 आउटफील्डर 5 इनफील्डर 1 पिचर और कैचर को ट्राई किया, और इनफील्डर है दोस्तों आपके लिए इतना नेक्स्ट लेवल का होने वाला है कि आप पे कंफर्म करने वाले हैं। तो दोस्तों टोरो और वेडोगो का परफॉर्मेंस लगातार मैच काफ़ी अच्छा खासा है, और ऐसे परफॉर्मेंस देखते जो इनका सिलेक्टेड परसेंटेज है वो भी काफ़ी कम है, और दोस्तों इसी में कह रहा हूँ कि आपको जो जीतने के चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। कैप्टन वॉइस कैप्टन चॉइस के बारे में बताऊँ दोस्तों, मैंने इस टीम में कराफोड़ो कैप्टन और वॉइस कैप्टन हनीगर को ट्राई किया, बाकी दोस्तों आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि दोनों का प्लेयर का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक ही चला दोनों मैचों से, तो इनका परफॉर्मेंस रहेगा लगभग सेम वाले दोस्तों क्लैश होगा इनके दोनों परफॉर्मेंस के, तो कुछ 20 पॉइंट कलेक्ट कर लेंगे दोनों ही प्लेयर। दोस्तों अदर चॉइस के बारे में बात करूं तो आप डेवर को ट्राई कर सकते हैं, आप बोगर्ट्स को अपनी टीम में वॉइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, दोस्तों आप रोड्रिगोस को अपनी टीम में वॉइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, बाकी दोस्तों अदर चॉइस आप टोरो को भी ट्राई कर सकते हैं कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग की टीम में, तो उसको सेव करते हैं। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो फाइनल टीम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।